सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, छोटा सा शॉर्ट टाइप का वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको दांत, खाज, खुजली या कि किसी भी प्रकार का चरम रोग है तो दोस्तों आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बेहतर आजमूदार नुस्खा बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अभी तक हमारे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचती रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बेहतर मलहम है अगर आपको सूखी खुजली या गीली खुजली से आप परेशान हैं या कि आपको खुजली बहुत ज़्यादा होती है, रात दिन आप खुजलाते खुजलाते आपका जीना मुहाल हो गया। तो दोस्तों एक काम आप सबसे पहले करिए, सबसे पहले तो हमारे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि ये आपकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तो चलिए लिखना शुरू करिए। अगर बेहतरीन आजमूदार मलहम मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा किस प्रकार से बनता है, और एक मैं आपको ब्लड साफ़ करने के लिए एक और भी औषधि बताऊंगा जिससे कि आपका ब्लड भी साफ़ हो जाएगा। मगर एक बात आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। और एक बात याद रखना, भला करने वाले का कभी बुरा हो नहीं सकता और बुरा करने वाले का कभी भला हो नहीं सकता। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, शुरू करिएगा। आपको क्या लेना है कि 50 ग्राम पीले कनेर की पत्ती और फूल दोनों ले लेना है 50 ग्राम, और उसको उबाल लेना है अच्छे से नारियल के तेल में। आपको उसको उबालना है, फिर उसमें क्या करना है, 25 ग्राम उसमें आपको जैतून का तेल डाल लेना है उबालने के बाद, और फिर उसको आप धीमी आँच में पकाइएगा। धीमी आँच में पकाइएगा और आपको जब पकते पकते ये लगे कि इसमें हल्का सा धुआं छूटने लग गया है तेल में तो आपको उतार लेना है। बस उतारने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो उसमें आपको देसी कपूर मिला लेना है, और देसी कपूर मिला कर देसी कपूर को हल्का अच्छे से एकदम महीन पीस करके मिलाए और ये मलहम एकदम बेहतरीन बन जाएगा। जब देखेंगे देसी कपूर एकदम एक जान हो गया है दोनों तेलों में, अब उसको पहले एक काम करिएगा कि पहले कनेर की पत्ती और फूल को आपको तेल में पका लेना है और उसके बाद छान लेना है। छानने के बाद 25 ग्राम उसमें जैतून का तेल डाल लेना है, फिर गरम करना है। गरम करने के बाद जब उसमें हल्का सा धुआं निकलने लगे तो उतार लेना है, और ठंडा होने के बाद उसमें आपको देसी कपूर मिला लेना है। बस ये आपका बेहतरीन मलहम तैयार हो गया चरम रोग का। किसी भी प्रकार का आपका अगर चरम रोग है तो आपका वो चरम रोग लगाने भर से ही ठीक हो जाएगा। और पीने के लिए आपको मैं बेहतर सिरप बता रहा हूँ, उस सिरप का नाम है शारिवा धाशव। शारिवा धाशव आपको 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन शाम को पीना है और 4 ढक्कन दोपहर में। दोस्तों तली भुनी चीज़ों से पूरा परहेज करिएगा और आप देखिएगा कि आपकी सूखी खुजली, गीली खुजली किस तरीके से आपके शरीर से रफू चक्कर होती है। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दे।